आज सर मेरे पास जो सवाल है वो हम जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ा हुआ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगले 3-4 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के को साथ लेकर अपने काम को कैसे कर सकते हैं, अपने काम में अध्यात्म का को जोड़कर उसके प्रिंसिपल्स को ऐड कर आप किस प्रकार अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, उस ओर लेके जाने का प्रयास है। तो मेरे पास उसमें बहुत सारे सवाल हैं सर। आज मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, यदि समय रहा आपके पास पूरा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास इतना ज्ञान है कि जब आप इसके ऊपर बोलेंगे तो आपको बहुत समय चाहिए होगा, अगर आज वो पूरा हो पाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो शेष भाग कल भी कर सकते हैं सर। तो आपने इस कार्यक्रम में स्वधर्म की बात की है। स्वधर्म की अगर आप बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में सर दो टर्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अपलाइन और डाउनलाइन। यानी कि एक तरह से हम यहाँ पर सीनियर जूनियर नहीं कहते क्योंकि उसके अभी कारण है। सीनियर जूनियर ना कह के हम अपलाइन डाउनलाइन क्यों कहते हैं ये भी आप बताएंगे। और इसके साथ में ये कि सर उनका जो स्वधर्म है वो क्या होना चाहिए, एक अपलाइन का स्वधर्म क्या होना चाहिए और एक डाउनलाइन का स्वधर्म क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ सर इसके ऊपर चर्चा करें। सर जी जी आप कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढ के लाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत खूबसूरत। इस कार्यक्रम को करते करते मुझे एक प्रेरणा हो रही थी, आपने उस प्रेरणा को थोड़ा छेड़ दिया, बड़ा अच्छा किया आपने छेड़ के। मैं एक नई टर्म कॉइन करना चाहता हूँ, एक नया शब्द देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है स्पिरिचुअल नेटवर्किंग। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। स्पिरिचुअल नेटवर्किंग यानी कि संबंधों का आध्यात्मिक तंत्र। तो बिजनेस करेंगे लेकिन स्पिरिचुअलिज्म को साथ रख के करेंगे। और आपने जो दो शब्द बोले हैं ना, उसके लिए वाकई में मुझे घंटों चाहिए बोलने के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी गैलवे परिवार के लोग हैं, वो सब बहुत समझदार हैं, थोड़े में और इशारे में ही चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। तो आपने पहला प्रश्न किया कि एक अपलाइन का स्वधर्म क्या है और एक डाउनलाइन का स्वधर्म क्या है। तो वैसे तो अपलाइन और डाउनलाइन अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत अपलाइन से ही करूंगा, है ना, कि अपलाइन का स्वधर्म क्या है। अपलाइन का मतलब होता है एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर, वो अपलाइन होता है। अपलाइन को हिंदी में बोलूं तो एक गुरु, एक गुरु तो नहीं बोलूंगा, एक अध्यापक बोलूंगा, एक अध्यापक, एक मार्गदर्शक, एक साथी, ये एक अपलाइन होती है। जब हमने इसको अध्यात्म के साथ जोड़ना है बिजनेस को, तो एक अपलाइन आप कब बनते हैं पहले ये समझने की जरूरत है। एक अपलाइन आप तब बनते हैं जब आप इस बिजनेस में कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके अपने साथ जोड़ लेते हैं और अपनी एक टीम का गठन करते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं ये बोलता हूं कि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ लोगों की टीम अपने साथ जोड़ते हैं, तो आपका इसके पीछे लक्ष्य होता है कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि जब बिजनेस खड़ा होगा, आपकी टीम खड़ी होगी, उसके माध्यम से जब आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो उन प्रोडक्ट के बेचने से आप लोग इंसेंटिव कमाएंगे। तो ये हो गया स्वार्थ। लेकिन अब मैं इसमें परमार्थ जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो जब आप एक स्पॉन्सर बनते हैं, जिस दिन आप अपने साथ टीम जोड़ते हैं, उस समय आपका भाव क्या होना चाहिए? देखिए, शुरुआत मैनिफेस्टेशन से ही होती है। आपकी कल्पना ही जो जो वास्तविकता में बदलती है। तो एक अच्छी अपलाइन का भाव ये होना चाहिए कि मुझे, मान लीजिए मुझे अपने आगे 6 लोगों को जोड़ना है, 6 लोगों की टीम खड़ी करनी है, तो भाव ये होना चाहिए कि ये 6 लोग वो हैं जिन्हें, जो मेरे को अच्छे से जानते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, और ना भी जानते हो तो भी ये 6 लोग वो हैं जिन्होंने मेरे
बिजनेस प्लान देने पर मुझे पर विश्वास करके इस कंपनी ने मेरे साथ टीम अप होने का फैसला लिया है। तो हे ईश्वर, मुझे ये साहस और शक्ति देना कि मैं इन 6 लोगों का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके इस कंपनी में ज्वाइन किया है, मैं इन 6 लोगों का जीवन बदल सकूं। मुझे अब, मैं यहां पे कर्म फल छोड़ दूंगा, सिर्फ कर्म योग की बात करूंगा, कि मुझे आपने ये ड्यूटी दी है कि मैं यहां पर इस पृथ्वी पर नेटवर्कर बन के काम करूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करूं, जिसमें मैं अपना नेटवर्क बनाने जा रहा हूं। तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने धर्म के अधीन इन 6 लोगों की, जो एक अपलाइन होने के नाते जिस भी तरह की मदद होती है वो मैं करूंगा, जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी करूंगा, इनको प्रमोशन दिलाने के लिए, इनको सक्सेस दिलाने के लिए, इन्हें लीडर बनाने के लिए, जब तक इनकी यात्रा एक लीडरशिप तक पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए मेरे जो जो भी मुझे कार्य कंपनी के सिस्टम के तहत कहे गए हैं वो मैं करूंगा, बाकी फल की इच्छा प्रभु आप पर है, आप ही देख लेना क्या करना है। तो ये मेरा संकल्प होगा। अब यहां से बात शुरू होती है। मैंने, अगर आप ध्यान से देखें, तो मैंने यहां पर क्या मैनिफेस्टेशन की एज ए अपलाइन के लिए, मैंने बोला कि कंपनी के सिस्टम के तहत इन 6 लोगों को जो भी जरूरी करना होगा इनके लिए वो मैं करूंगा, ताकि ये लोग कामयाब हो सकें। जो भी इन 6 लोगों को मदद करनी होगी, जो मुझे अपलाइन के धर्म के तहत करनी होती है वो करूंगा, इनको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो दूंगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो दूंगा, इनको पूरा काम सिखाऊंगा, इनको हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा, और सुनिश्चित करूंगा कि कामयाबी के लिए जो जो भी साधन चाहिए होते हैं वो इन्हें प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं ये सब प्रोवाइड करूंगा कब? प्रश्न ये है। आप कह रहे हो कि मैंने एक शिष्य लिया जिसको मैं धनुष बाण चलाना सिखाऊंगा और सबसे बढ़िया धनुर्धर बनाऊंगा, लेकिन कब? पहले आप खुद धनुष बाण चलाना जानते होंगे तभी ना। तो सबसे पहले एक अपलाइन को अपलाइन बनना होगा। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले मुझे एक दीपक की तरह खुद जलना होगा। जब मैं दीपक बन जाऊंगा तभी तो 6 दीपक जला पाऊंगा। तो आप अपना धर्म पूरा नहीं कर सकते जब तक आप खुद एक दीपक ना बन जाएं। तो अब सवाल यह है, अगर आप दीपक नहीं बने हैं और उसके बाद लोगों को ले आते हैं, तो वो स्वधर्म नहीं कहलाएगा। स्वधर्म के लिए आपको एक दीपक बनना है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो 6 लोग वही सब कुछ करेंगे जो आप करें, जो आपने नहीं किया वो 6 लोग भी नहीं करेंगे। ये वैसी बात है, एक पिता अगर सिगरेट पीता है वो अपने बच्चे से कह नहीं पाएगा बेटा तू सिगरेट मत पीना, क्योंकि वो खुद पी रहा। आपके संस्कार आगे जाते हैं। तो इस बिजनेस में भी ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां लोग आपकी तरफ देखते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है। आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है। किस तरह की जिम्मेदारी है? एक कल्चर को मेंटेन करने की, कि कैसा नेटवर्क आप खड़ा करना चाहते हैं, किस तरह के संस्कार उस नेटवर्क में होने चाहिए। जैसे अभी संजय बोल रहा था कि बहुत सारे लोग नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, वो इसलिए तो करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म पे नहीं चलते, जब वो नहीं चलते हैं तो उनके गलत करने की वजह से लोग बाहर बातें बनाते हैं, फिर नेगेटिव डिस्कशन होते हैं। आप अपने आप से पूछिए, अगर आप खुद बैठकर कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको लगेगा इससे सुंदर तरीका काम करने का हो ही नहीं सकता, बशर्ते सभी लोग ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करें। तो सवाल यहां से शुरू होता है कि एक अपलाइन का
स्वधर्म क्या है? तो सबसे पहला उसका स्वधर्म है कि उसे खुद एक दीपक बनना होगा, अब दीपो भवा। पहले खुद एक दीपक बनना होगा, और खाली जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, दीपक कैसे बनते हैं? पहला स्टेप है आपने ज्ञान लिया। जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे तब तक दीपक नहीं बन सकते। दूसरा, उस ज्ञान पे चलना होगा, अमल करना होगा। जैसे मैंने बताया था पिछले अपने एपिसोड के अंदर कि ज्ञान लेने के बाद मेडिटेशन करना जरूरी है। अब आप क्रिकेट की किताब पढ़ते रहो, ये किताब पढ़ ली, दो पढ़ ली, तीन पढ़ ली, मगर खेलने का भी गए नहीं और कह रहे मैं तो सचिन जैसी बैटिंग कर लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। ऑफकोर्स आप जब ज्ञान लेंगे तो उसमें आप टेक्निक सीखेंगे, बातें समझेंगे, लेकिन जब तक मैदान में खेलेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो ज्ञान प्लस एक्शन से आपको दीपक बनना है। तो एक अपलाइन का जो स्वधर्म है वो ये है कि आपको ज्ञान भी लेना है, जिसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग बोलते हैं, और दूसरा उस ट्रेनिंग पे सच्चाई से, ईमानदारी से अमल करना, और अपने भीतर ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो आपकी डाउनलाइन उसे डुप्लीकेट करेगी। ये वैसी बात है, एक पिता जब बच्चों को पाल रहा होता है तो उनकी वाइफ जो है वो हमेशा यही कहती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, वो भी दोहराएंगे। तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सी बात बच्चों के सामने करनी है, कौन सी नहीं करनी है, या कौन कैसे संस्कार हमें बच्चों को देने। ठीक इसी तरह से आप कल्पना करें, मैनिफेस्टेशन करें कि आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए। एटलीस्ट अब आप बहुत सुंदर कल्पना कर सकते हैं, 40 दिन से ये कार्यक्रम 35-36 दिन से चल रहा है, कि कैसे लोग चाहिए हमें हमारे नेटवर्क करने। सोच के देखिए, अगर आपके टीम बन रही है और उस टीम में रोज आधा घंटा ये मैनिफेस्टेशन होती है, कितने सुंदर सपने वो सब देखेंगे। और सपने जो होते हैं वो बीज होता है, कल वही बीज जो है वो अंकुरित होके पेड़ बनता है। आप फील करके देखिए कि अगर आपकी डाउनलाइन में रोज ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं आधे घंटे का, तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जूम के ऊपर भी चला सकते हैं, आधा एक घंटे का डिस्कशन कर रहे हैं और आधा घंटा आपने ये मैनिफेस्टेशन कराई। अभी सरब जी ने बोला कि आपने एक घंटा इस कार्यक्रम के लिए निकाला, मैंने कहा नहीं, मैंने बाकी कामों के लिए समय निकाला, ये तो करना जरूरी है। तो आपका एज ए अपलाइन पहला स्वधर्म यह है कि लोगों को सुंदर सच्चे सपने देना, ऐसे सपने देना जो वो सद्बुद्धि के साथ देखते हो और स्वार्थ और परमार्थ का संगम हो। जहां यहाँ पे अब रोज लोग अपने सपने बता रहे हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, और उन सपनों को ईमानदारी देना ताकि वो मेडिटेशन में जाके उन सपनों को देख सके। हर एक के अलग अलग तरह के सपने हैं। आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप कहां देखना चाहते हैं खुद को? हो सकता है आपको अपना घर खरीदना हो, आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको घूमने का शौक हो, आपको खूब सारा धन कमाने का शौक हो, आप चाहते हो मेरे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, हो सकता है आपके पास कर्ज हो और आप चाहते हो मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, मेरा घर की मॉर्गेज खत्म हो जाए, मेरी गाड़ी की मॉर्गेज खत्म हो जाए, मैं देश विदेश की यात्राएं करूं। ये सब स्वार्थ वाले आपके सपने हो गए। इसके साथ परमार्थ भी जोड़ दीजिए कि घर बनाऊंगा बहुत बड़ा, लेकिन मैं अनाथालय भी बनाऊंगा, मैं या किसी अनाथालय में जुड़ जाऊंगा, विकलांगों की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, वृक्ष लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, गो माता की सेवा करूंगा, कुछ भी, जो भी आपका मन। कि ये प्रभु मुझे धन देना, मैं खूब दौलत कमाना चाहता हूं, अपनी खुशियां भी सुनिश्चित करना चाहता हूं और इस जग को भी जागृत करना चाहता हूं, ज्ञान भी बांटना चाहता हूं ताकि लोगों में सद्बुद्धि आए। इस भारत, हमारा जो भारत देश है, ये खूबसूरत ज्ञान से ही बनेगा। कल्पना कीजिए, जो प्रोग्राम आप 40 दिन से कर रहे हैं, अगर यही वाली सोचने का तरीका पूरे भारत के लोगों का हो जाए तो इस देश में खुशी तो हिलोरे मारेगी। आज भारत में लोग इतनी नकारात्मक बातें करते हैं, वो सारा दिन मैनिफेस्ट होती रहती है। जब लोग अपने सोच के प्रति सजग हो जाएंगे तो लोग पॉजिटिव
मैनिफेस्टेशन करेंगे और ये भारत बदल जाएगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहेंगे सर हम 10,000 लोग क्या करेंगे, अगर 10,000 लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अगर वो सिर्फ इतना करें कि हम 10 लोगों को ये कार्यक्रम दिखाएंगे दोबारा, 40 दिन के लिए उनको चलवाएंगे, जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसान है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है नेटवर्क की, तो 10,000 × 10 कितना होता है? 1,00,000। 1,00,000, 40 दिन बाद 1,00,000 लोग होंगे। और 1,00,000 लोग जब 10,00,000 दस दस व्यक्ति कराएंगे तो क्या होगा? 10,00,000। और 10,00,000 जब 10-10 करवाएंगे तो क्या होगा? 1,00,000। और 1,00,000 जब 10 करवाएंगे तो क्या होगा? 10,00,000। और 10,00,000 अगर 10 कराएंगे तो 100,00,000 हो गया काम आपका। तो ये नेटवर्किंग की शक्ति हमसे अच्छी कौन जानता है। एक दीपक को सिर्फ अपने आसपास रोशनी देनी है और 10 दीपक चलाने हैं, बस हो गई दीपावली। आपको पूरे ब्रह्मांड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आसपास से अंधेरा उठा लीजिए। आप 10 लोग चुन लीजिए अपने आसपास से, उसको रोशन कर दीजिए। चलो मैं कहीं और चला गया, पर यह भी जरूरी था, लेकिन मैं अपलाइन की तरफ आता हूं। तो सबसे पहले एक अच्छी अपलाइन होने का काम यह है कि आप एक ड्रीम ऑफ वॉल बनाइए, सॉरी वॉल ऑफ ड्रीम बनाइए, आपके सपनों की दीवार। और पहले मैं सिर्फ इन सपनों को स्वार्थ के साथ जोड़ता था, इस बार ये दीवार स्वार्थ प्लस परमार्थ की बनाइएगा। ये सपने वही हैं जो रोमश्री जी आपको मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बोलती है बनाइए। आपके घर के कमरे में इन सपनों के विजुलाइज फोटोग्राफ लगाइए। कैसा घर चाहते हो, कैसी गाड़ी चाहते हो, किस तरह का नाथालय, किस तरह की गौशाला, किसको मदद करना चाहते हो। जरूरी नहीं आपको कोई संस्था बनानी है, जो लोग संस्था चला रहे हैं कोई अच्छी संस्था ढूंढ लीजिए, उसकी हेल्प करने लग जाइए, दान करना शुरू कर दीजिए। तो अपना ड्रीम लिखिए परमार्थ प्लस स्वार्थ का और उसे दीवार पे चिपका दीजिए, विजुलाइज करते हुए फोटो के साथ। ये सब मैंने अपने ट्रेनिंग में बताया है, पर उसमें बस आप उस ट्रेनिंग में स्वार्थ के साथ परमार्थ भी जोड़ दीजिए, वो मैंने ट्रेनिंग में नहीं बताया, क्योंकि जब तक ये कार्यक्रम नहीं होता मेरी बात परमार्थ वाली बहुत, हालांकि मैंने कई बार स्टेज से परमार्थ शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ढंग से समझ नहीं आई होगी। पर थैंक्स टू सरबजीत जी, रोमश्री जी, ये कार्यक्रम चलाने के बाद अब आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि परमार्थ क्यों जरूरी है। तो अपलाइन होने का पहला स्वधर्म यह है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पहले आप एक सुंदर सच्चा सपना देखिए और उस ड्रीम के नीचे एक लिखिए कि मैं खुद 40 दिन थीटा करके इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करूंगा। प्रातःकाल सुबह उठते ही आधा घंटा मेडिटेशन करिए, आपने सीख ही लिया, जो आपकी डाउनलाइन आएगी उनको भी आप सिखा दीजिएगा, कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं। ज्यादा बात है तो रोमश्री जी की जो मेडिटेशन है वो यूट्यूब से गाइडेड चला दीजिए, बस आपने आंख बंद करना है, उनकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी और आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। डाउनलाइन की कभी भी मीटिंग होती है तो पहले आधा घंटा मेडिटेशन कराइए। तो पहला एक्ट है ड्रीम, जो कि सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप बींग ए अपलाइन अपने डाउनलाइन को पहला मूल मंत्र आपको ये देना। जब आप ड्रीम देखते हैं, जब आपने ड्रीम दे दिया, अब मैंने आपको बोला आपको दीपक बनना है, तो आपको कंपनी की पूरी ट्रेनिंग भी लेनी है, क्योंकि अब आपका स्वधर्म शुरू हो गया। तो पहला स्वधर्म आपका एज ए नेटवर्कर क्या है कि आपके पास पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। किस चीज की? आपको पूरा कंपनी का ज्ञान होना चाहिए, हमारी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, कहाँ हेड ऑफिस है, क्या वेबसाइट है। उसके बाद कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग लीजिए कि आपके प्रोडक्ट क्या हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। प्रोडक्ट को खुद यूज करिए, क्योंकि देखो
स्वधर्म जो है वो ईश्वर का काम होता है और हमें झूठ झाट बोलना नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, आपको अच्छे लगे तभी आगे दें, वरना बेशक इस काम को छोड़ दें। जब तक कंपनी में भरोसा नहीं हो, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं हो, इस काम को आगे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं, सबसे पहली ईमानदारी जरूरी है। जब आप कंपनी समझ लें, प्रोडक्ट समझ लें, प्लान समझ लें, बिजनेस प्लान, और जब आपको भरोसा हो जाए कि यार ये सब चीजें जो कंपनी की कार्यशैली है, कंपनी, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान, तीन चीजें हो गई, चौथी कंपनी का सिस्टम, कंपनी काम कैसे करती है, पांचवा कंपनी के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, जब ये पांच चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप अटेंड कर लेंगे, कंपनी की वेबसाइट आप अच्छे से खंगाल लेंगे, प्रोडक्ट देख लेंगे, प्लान देख लेंगे, एक्शन प्लान देख लेंगे, तब जाके आपको यकीन हो जाएगा कि इस कंपनी में मैं काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और आखिरी चीज, छठी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कुछ ऐसे लोगों के अनुभव सुनना जिन्होंने इस कंपनी में इन पांचों चीजों का पालन करके अपनी सफलता हासिल की है या नहीं की है। मैं छह चीजें आपको बता रहा हूं, एक बार इनको लिख लीजिए एज ए अपलाइन। अपलाइन उसी दिन आप हो जाते हैं जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे आप अपलाइन हो जाएंगे। तो अपलाइन बनने से पहले कि ये आपके स्वधर्म है, बिफोर बींग अपलाइन लिख लीजिए मुझे क्या होना चाहिए। उससे पहले किसी को इंट्रोड्यूस मत करिए। कंपनी के बारे में जानिए नंबर एक, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए नंबर दो, कंपनी का बिजनेस प्लान जानिए नंबर तीन, नंबर चार कंपनी का काम करने का सिस्टम, कार्य प्रणाली, वर्क सिस्टम, नंबर पांच कंपनी की सारी ट्रेनिंग लीजिए, नंबर छह कंपनी में जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काम, जो कामयाब हुए हैं, उनकी शेयरिंग सुनिए, उनके अनुभव सुनिए, कौन है वो, कहां से बिलोंग करते हैं, कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, कहां से चले, कहां पहुंचे, कितना वक्त लगा, क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने यहां से घर बनाया, गाड़ी बनाई, कुछ लोग हैं जिन्होंने धन कमाया, जिनका जीवन बदला। और जब आप उनके अनुभव शेयर करते हैं तो अपने आप से उनको रिलेट करिए कि क्या ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं जो इसने बोला। प्रोडक्ट की शेयरिंग सुनिए, जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें किनको फायदा हुआ, फिर उनको खुद इस्तेमाल करिए प्रोडक्ट को कि इनको फायदा हो तो क्या मुझे हुआ। जब ये छह चीजें कर लेंगे आप, तो आपके अंदर एक चीज पैदा होगी जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऊर्जा और आत्मविश्वास। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, तब तक आपका दीपक जला नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। यानी कि जब आप ये सारे ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, काम करने के तरीके को लेके, और एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, आंखों में चमक आएगी कि यस आई नो योर बिजनेस काम करता है और इसमें कामयाब हुआ जा सकता है। जब ये पूरा कॉन्फिडेंस ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ आ जाए, तो समझिए आपका दीपक जल उठा है। जब आपको 100% फेथ हो जाए कि अब मैं जो ड्रीम देख रहा हूं, जो मैं थीटा में मेडिटेट कर रहा हूँ, वो होके रहेगा और इस कंपनी में इस रास्ते पे चल के वो पॉसिबल है, वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो आपका दीपक जल उठेगा। अब आपके आत्मविश्वास का एक टेस्ट बताता हूं। आपने छह चीजें कर ली, कंपनी के बारे में जान लिया, उसका बिजनेस प्लान समझ लिया, उसके प्रोडक्ट समझ लिए, प्रोडक्ट को अनुभव कर लिया, आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने लोगों के अनुभव सुन लिए, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, और आपको कुछ भी कंपनी में लेश मात्र नेगेटिव दिखाई नहीं दिया, और आपका आत्मविश्वास सब सातवें आसमान पे और ऊर्जा से आपका दीपक जल उठा है। अब ये भी देखना है कि आपकी आग स्टेबल है या किसी के हल्के से फूंक मारने से बंद हो जाती है। यानी कि आपको आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है, आत्म मतलब मैं, विश्वास यानी मुझे खुद पे विश्वास।
आत्मविश्वास का मतलब है कि मैंने सब कुछ परख लिया है और मुझे 100% विश्वास है कि ये बिजनेस और ये कंपनी काम करती है। फिर बाहर कोई भी नेगेटिव बात करता हो, कहीं कुछ भी नेगेटिव बोला जाता हो, वो मुझे डोल नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद कसौटी पे चेक किया है, करा है, बाहर वाला कुछ भी बोलता रहे। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कंपनी, व्यक्ति या कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसने 100 के 100 लोगों को सेटिस्फाई किया हो। मुझे एक चैनल YouTube का, एक ऐसा व्यक्ति बताइए पूरे विश्व में जिसके 100% लोग फैन है, जिसकी कोई आलोचना ना करता हो। किसी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है, राम की भी आलोचना करने वाले लोग, कृष्ण की भी आलोचना करने वाले लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करने वाले लोग, उनके कांग्रेस की भी आलोचना करने वाले लोग हैं। तो आलोचना तो होती ही है। आप जीवन में एक भी ऐसी जगह नहीं पाएंगे जहां आपको लगेगा 100 के 100 रिव्यू पक्के आ रहे हैं, भाई एक भी नेगेटिव बात नहीं होती। तो जब आप कभी भी कोई फैसला लेने चलेंगे या कहीं बाहर एडवाइस लेने जाएंगे तो 10 लोग आपको पॉजिटिव एडवाइस देंगे, 10 नेगेटिव देंगे, आप फैसला लेंगे कैसे? फैसला सिर्फ आत्मविश्वास से लिया जाता है और आत्मविश्वास आपके ज्ञान का अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बोला और उसके पीछे चल दिए ना। आपका आत्मज्ञान अगर आपको आत्मविश्वास देता है वही सबसे अच्छा विश्वास है। तो अपने आत्मज्ञान से अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करिए और उस आत्मविश्वास के आधार पे अपना सपना संजोइए और उस सपने को जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों है उसको मेडिटेट करिए रोज। तो जब वो मेडिटेशन शुरू होगी तो आपका दीपक जल उठेगा, उस दिन आप बनेंगे अपलाइन का एक दीपक। उसके बाद करना क्या है? जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं उसके बाद आपने देखना है कि जैसे ये दीपक मेरे अंदर जला है आत्मविश्वास का, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए कमाल का है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी के काम करने का तरीका बहुत एथिकल है, कंपनी बहुत शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी के डायरेक्टर तक हमको ईमानदारी से और सत्यता से काम करने को बोलते हैं, जब सब कुछ सुंदर लगे तभी काम करिएगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा बिल्कुल उसी समय। और अगर सब सही लग रहा है तो उसी समय समझ लीजिए कि ये कंपनी, जब ये फील आए कि मेरा जीवन बदल सकती है, तब आप अगली सोच लाइएगा कि अगर मेरा बदल सकती है तो क्यों ना मैं अपने 5-6 लोगों का और बदलू, मेरा दीपक जल उठा तो मैं क्यों ना 6 लोगों का दीपक और जला, क्यों ना उनकी भी जिंदगी बदलो। और फिर अपना धर्म का पालन करते हुए हाथ पकड़ के ये सारे कार्यक्रम उन 6 लोगों को भी कराइए, उनको भी कंपनी, उनको भी प्रोडक्ट, उनको भी ट्रेनिंग, उनको भी बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग, उनको भी सिस्टम पे काम करना सिखाना, उनको भी अनुभव सुनवाना। और उनका हाथ पकड़ के करवाना, क्योंकि जब आप 6 लोगों को अपने जीवन में लाएंगे तो आप इस प्रण से लाएंगे कि ईश्वर ये लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मैं इन 6 लोगों का हाथ पकड़ रहा हूं और मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये एक खुद आत्मनिर्भर ना हो जाए, यानी ये खुद लीडर ना बन जाए, तब तक इन 6 लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने प्रमोशन की परवाह नहीं करूंगा पर मुझे इन 6 लोगों को प्रमोट करवाना है, मुझे इन 6 लोगों को क्राउन बनाना है। जब तक ये लोग क्राउन नहीं बनेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं अपना पूरा धर्म निभाऊंगा। हाँ, कोई खुद छोड़ के चला जाए तो मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं इन 6 लोगों को क्राउन बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और ये कार्य मैं ये सोच के करूंगा कि यही काम आपने मुझे दिया है, मुझे 6 लोगों के जीवन में खुशियां लानी है, इनको ज्ञान भी दूंगा, स्वार्थ और परमार्थ भी दूंगा ताकि इनके जीवन में खुशियां आए, मुझे 6 घरों में दीपक जलाना। ये आपकी सोच होनी चाहिए ऐसे अपलाइन, ये अपलाइन का धर्म हो गया। जी सरब जी, बहुत सुंदर सर, मुझे आपकी बात के अंदर एक एग्जांपल जोड़ रहा हूँ सर, जैसे ये बात रोम श्री जी के साथ जुड़ी हुई है, जब उन्होंने
थीटा का ज्ञान लेना शुरू किया होगा, किताबें पढ़ी होंगी, सारा सारा कुछ समझा, प्रक्रिया की, मेडिटेशन को समझा, खुद उसका अनुभव किया, और उसके बाद अगर उन्हें आगे कोई कह देता ये सब तो बकवास है, हम नहीं मानते, ये सब काम नहीं करता, और ऐसे लोग जरूर होंगे इस दुनिया में, बहुत सारे होंगे, बहुत बहुत बहुत, तो इसका मतलब क्या थीटा एग्जिस्ट नहीं करता? ये तो रोमश्री जी जानती हैं कि वो करता है, उसके लिए नहीं करता होगा, तो उसकी फूक से ये आग नहीं बुझेगी सर। बिल्कुल सही, तो रोमश्री जी का आत्मविश्वास कोई नहीं ला सकेगा, कोई नहीं ला सकता सर। मैं जब से चेतन जी बोल रहे हैं तब से यही सोच रही हूँ कि सारा कुछ हमारे हर एक के जीवन पे अप्लाई होता है, अध्यात्म पे भी यही सारे रूल्स जो आपने 6 बताए हैं वही तो अप्लाई होते हैं। बिल्कुल होते हैं, वही चीज आपने बोल दी करमजीत जी। जो लोग किसी अध्यात्म को नहीं मानते, जो लोग किसी धर्म में यकीन नहीं रखते, या जो कह लीजिए कि जो उन्हें नास्तिक कहते हैं, अगर वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, वो उनका इंडिविजुअल राय तो हो सकती है और उनकी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर वो जाकर सबको ये फैलाने की कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और लोग उनकी बात को सुनना शुरू कर दें, यानी उनको खुद को अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, तो जिस इंसान का अपने आप पे यकीन नहीं है उसका तो फिर सफल होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो नहीं सफल होगा। आत्मज्ञान से पैदा हुआ होता है आत्मविश्वास, यानी पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, उसी से आत्मविश्वास आएगा। आत्म मतलब मेरा विश्वास, आत्मज्ञान यानी मेरा ज्ञान, तो ज्ञान से विश्वास आता है, और आत्मविश्वास के आए बगैर ऊर्जा नहीं आ सकती, और बिना ऊर्जा के आप दीपक नहीं जलेगा। तो कामयाबी के लिए आपका दीपक बनना जरूरी है। हमारे बिजनेस में आपके पास बहुत एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ चेंज करने की बात कर रहे हैं। आई हैव टू चेंज माई लाइफ। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो जिसमें ऊर्जा नहीं है और वो दुनिया बदलने चला? आप अपना जीवन बदलने चाह रहे हैं, आप बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सच्ची एनर्जी चाहिए, वो बिना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस के नहीं आएगी। और आत्मविश्वास आएगा ज्ञान से, ज्ञान भी आपका अपना, उधार वाला ज्ञान नहीं। इसने कहा तो मान लो ना, तू कह रहा है तो मान लेता हूं ना, खुद ज्ञान लीजिए, खुद ट्रेनिंग लीजिए। गुरु मिल सकता है, मगर गुरु का ज्ञान चाहिए, खाली गुरु नहीं चाहिए सर। गुरु के साथ जो अगली चीज चाहिए ना, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, वो है समर्पण। मतलब यदि आप जब सीख रहे हैं और सीखते हुए यदि शंका है, आप उसको अपनी कसौटी पे जरूर तोलिए, आप उसे चेक करके अपने लॉजिक से जरूर देखिए, लेकिन जब आप ले रहे हैं उस पर अगर शंका है, अगर उसी पे डाउट है, तो वो ज्ञान आ भी नहीं पाएगा आपके पास। तो समर्पण बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर सर जी। जी सर, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, शंका खराब है मगर जिज्ञासा अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। शंका खराब है, यानी अगर आप ज्ञान जहां से आ रहा है गंगोत्री के उद्गम से ही अगर आप डाउट करने लग जाएंगे तो गंगा भी गंगा नहीं रहेगी। लेकिन जिज्ञासा होना बहुत अच्छी है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आप खुल के प्रश्न पूछिए, समर्पण भाव से पूछिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। जो भी अंदर से जिज्ञासा वाले प्रश्न आ रहे हैं वो जरूर पूछिए। प्रश्न पूछना बुरा नहीं है,